मम्मीज वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स मैजिक। और आज मैं लेके आई हूँ 8 से 12 महीने के बच्चों के लिए फूड चार्ट। ये मैंने 8 से 12 महीने के बच्चों का फूड चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि इस 8 से 10 महीने का भी बना सकती थी या 10 से 12 का दो पार्ट में भी, बट नहीं, इस पीरियड में छोटे छोटे थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं जो ये एक बारी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से 8 से 12 महीने के बच्चों को आपने खिलाना है खाना और क्या क्या चीजें आप खिला सकते हो। ये जो 8 से 12 महीने का जो पीरियड होता है ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों का, मतलब ये ग्रोथ का क्रूशियल पीरियड होता है। मींस इस टाइम में बच्चे की बॉडी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, उनके दांत आ रहे होते हैं, वो चलना सीख रहे होते हैं, खड़े होना सीख रहे होते हैं। आप देखोगे, आप खुद नोटिस करोगे, 8 मंथ में जब बच्चा होता है तो वो कभी खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, खड़े होने की कोशिश कर रहा है, और ये कितनी बार वो ये करता है। फिर 9 मंथ में हम उसे वॉकर में डाल देते हैं, वॉकर में सारा दिन चलता है। फिर हम जब 10th मंथ में आता है तो हम उसे पकड़ पकड़ के चलाना शुरू कर देते हैं। 11th मंथ में आता है तो वो खुद से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देता है। और बच्चा जैसे ही 1 साल का होता है, मोस्टली 99% बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर तो उन्हें लगता है कि बस अब मैं चल चल के ये भी ले लूं, ये भी पकड़ लूं, ये भी कर लूं। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज जो बच्चे इस पीरियड में करते हैं तो उन्हें बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है, बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, और इस टाइम पे हमें एक अच्छा हेल्दी फूड देना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हम बच्चे का एक स्केड्यूल बनाएं, मीन्स एक तैयारी करें, एक प्लानिंग करें कि अब हमें बच्चे को कैसे और क्या फूड इंट्रोड्यूस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में खिलाने हैं, कैसे खिलाने हैं। ये भी एक आप स्केड्यूल। मैं अगर अपनी बात करूं तो ऋत्विक के लिए मैंने किस तरह से उसकी डाइट में या किस तरह से मैंने उसको खिलाना शुरू कर दिया था 8 मंथ में। जब वो 8 मंथ में आया था तो मैंने ब्रेकफास्ट उसकी डाइट में ऐड कर दिया। फिर 9 मंथ में जाते ही मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स ऐड कर दिया। 10th मंथ में आते ही मैंने लंच ऐड कर दिया। 11th मंथ में आया तो इवनिंग स्नैक्स ऐड कर दिया। और जब वो 12th मंथ में आया तो मैंने उसे डिनर ऐड कर दिया उसके खाने में। तो इस तरह से मैंने उसे 3 meal 2 snacks देना शुरू कर दिया जब वो पूरा 1 साल का हो गया। इससे क्या हुआ कि एक शेड्यूल बनाने से मैं उन्हें उसे डिफरेंट डिफरेंट फूड भी दिए, ये भी ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं और क्या क्या चीजें उसे नहीं अच्छी लग रही हैं। मतलब इस तरह से मैंने एक स्केड्यूल मेंटेन कर दिया था उसके लिए। और अगर आप यही स्केड्यूल फॉलो करेंगे या इसी तरह से चलेंगे, आपका बच्चा कभी भूख से नहीं रोएगा, कभी न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लेजी नहीं होगा, और कभी वेट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। टच वुड, ऋत्विक के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, कभी वो भूख से रोया नहीं है, कभी वो लेजी नहीं होता है, हमेशा एकदम एनर्जी रहती है उसकी बॉडी में। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है, मेरे लिए भी रहता है, क्योंकि बच्चा अगर रोएगा नहीं, क्रैंकी नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी बहुत इजी रहता है। अगर बच्चा हर समय रोता रहे, लेजी रहे, या वेट इश्यूज रहे, या न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक टेंशन बनी रहती है। मैं गारंटी लेती हूं कि अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप बिलीव करोगे, मैंने 8 मंथ से ये स्टार्ट किया था ये पूरा शेड्यूल ऋत्विक के साथ फॉलो करना, और अभी वो 3 इयर्स का हो जाएगा अप्रैल में, और अभी तक मैंने उसका ये स्केड्यूल मेंटेन किया हुआ है। मैं कभी इसको ब्रेक नहीं करती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो भी मैं इसे मेंटेन करती ही हूँ। और अभी वो प्ले में भी जाने लगा है तो भी मैंने ये मेंटेन किया हुआ है स्केड्यूल उसके लिए, कि वो मॉर्निंग में उठना, उसके बाद ब्रेकफास्ट अपने टाइम पे करना, स्कूल में अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है वो लेना, घर पे आके लंच लेना, उसके बाद एक नैप लेना, जब नैप लेके वो उठता है तो वो इवनिंग स्नैक्स लेता है, उसके बाद डिनर लेता है, उसके बाद बेड टाइम पे वो मिल्क लेता है। तो ये बस मेंटेन किया हुआ है और ये डेली उसी हिसाब से चलता चला जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों का कोई स्केड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं, लंच के टाइम पे फ्रूट्स दे देंगे, फ्रूट्स के टाइम पे लंच दे देंगे, कभी हल्का खाना, कभी ज्यादा हैवी खाना, दिन में नहीं सुलाते हैं, इवनिंग में सुला देते हैं। फिर उनकी हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि ना बच्चा रात को बहुत लेट सोता है, हमारा बच्चा तो जी 12 बजे सोता है, 1 बजे सोता है। अगर आप उसे इवनिंग में सुलाओगे, 10 बजे उठाओगे, तो वो तो फिर 12 बजे सोएगा ही, क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो किसी भी टाइम लिटा दो और सो जाएगा। तो आप एक स्केड्यूल मेंटेन करें, इसी हिसाब से चलें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो 8 महीने के बच्चे को
हम फ्रूट, अगर आप ब्रेकफास्ट में दे रहे हो तो आप फ्रूट्स प्यूरीज दे दें, प्लेन सूजी का उपमा आप दे सकते हो बच्चे को, आप सेरल्स बच्चे को दे सकते हो, आप राइस पोहा सेरल्स भी बना सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात करें तो उसमें आप मैश वेजिटेबल दे सकते हो, मैश फ्रूट्स दे सकते हो। लंच में आप खिचड़ी दे सकते हो बच्चे को, राइस मूंग की दाल की खिचड़ी और मसूर दाल की खिचड़ी आप दे सकते हो। बट वही मैं फिर से कहूंगी कि बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से गली हुई और अच्छे से मैश करी हुई ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा इतना चबाना नहीं सीखता है। तो आप थिक फूड ना दें, थोड़ा सा मैशी और थोड़ा सा ग्रेवी कंसिस्टेंसी में ही आप देना है आपको। आप इवनिंग के टाइम में मिल्क दे सकते हो, सूप दे सकते हो, और फूड टेक्सचर जो रहेगा वो सॉफ्ट मैशी रहेगा। अब आता है 9 से 10 महीने के बच्चे का खाना। 9 से 10 महीने के बच्चे के खाने में आप और भी कई चीजें ऐड कर सकते हो। लाइक आप ब्रेकफास्ट में आप उसे दलिया दे सकते हो, सूजी उपमा विद वेजिटेबल्स दे सकते हो, आप सेरेलैक दे सकते हो, फ्रूट सेरेलैक आप दे सकते हो, आप मखाना खीर दे सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप बच्चों को मैश फ्रूट दे सकते हैं, एप्पल बनाना पपाया ये तीनों फ्रूट आप दे सकते हो, और बटर मिल्क आप दे सकते हो, दही दे सकते हो बच्चों को, कोकोनट वाटर दे सकते हो। तो ये सब आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में 9 महीने के बच्चे को दे सकते हो। लंच में आप खिचड़ी दे सकते हो बच्चे को, उसमें आप खिचड़ी विद वेजीज दे सकते हो, इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, आप आलू डाल लें, बीन्स डाल लें, मटर डाल सकते हो आप इसमें, तो ये सब, और टमाटर भी डाल सकते हो। तो ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करके आप खिचड़ी बना सकते हो। दाल राइस दे सकते हो, मैश किए हुए गले हुए दाल राइस ही आप बच्चे को दे सकते हो। इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो उसमें आप सूजी की खीर दे सकते हो बच्चे को इवनिंग स्नैक्स में, सूप दे सकते हो, हलवा दे सकते हो, सूजी का हलवा दे सकते हो, आटे का हलवा दे सकते हो, लेकिन गुड़ के साथ बनाना है, शुगर बहुत यूज नहीं करनी है। जितना शुगर और सॉल्ट अभी आप कम यूज करेंगे उतना ही अच्छा होगा बच्चों को, छोटे बच्चों को शुगर और सॉल्ट थोड़ा कम ही देते हैं। आप डिनर में खिचड़ी विद वेजीज दे सकते हो, दाल राइस और दलिया भी आप डिनर में दे सकते हो। अब बात करते हैं 11 से 12 महीने के बच्चे के खाने के बारे में। 11 से 12 महीने का बच्चा काफी और चीजें खानी स्टार्ट कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये मील चार्ट बनाया है। ब्रेकफास्ट में उसे आप दलिया दे सकते हो, मीठा और नमकीन दोनों तरह का। आप सूजी सूजी का उपमा दे सकते हो, वेजिटेबल सूजी उपमा दे सकते हो आप, और सेरेलेक दे सकते हो, फ्रूट सेरेलेक आप दे सकते हो बच्चे को। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप फ्रूट जूस दे सकते हो बच्चों को, आप एप्पल जूस दे सकते हो, ऑरेंज जूस दे सकते हो, और अनार का जूस दे सकते हो, मौसमी का जूस दे सकते हो। तो ये फ्रूट जूस आप दे सकते हो बच्चों को, सिंपल फ्रूट्स भी आप दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, बनाना एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैश बनाना आप बच्चों को दें वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, पल इतना पसंद नहीं करते हैं बच्चे, बनाना सभी बच्चे खा ही लेते हैं। पनीर आप दे सकते हो। लंच में आप मिक्स वेज खिचड़ी दे सकते हो, दाल राइस दे सकते हो, कर्ड राइस दे सकते हो, इडली सांभर दे सकते हो। साउथ इंडियन फूड्स सारे ही बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इवन मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं। बच्चे साउथ इंडियन फूड खा ही लेते हैं इजीली, तो आप इडली सांभर बना सकते हो, और दाल रोटी भी अगर आपका बच्चा स्टेज पे खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे खिलाएं। दाल रोटी खिलाने का तरीका जो है उसकी वीडियो भी मैंने पोस्ट की है अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हो कि छोटे बच्चों को दाल और रोटी कैसे खिलानी है। तो वो दाल में सोक करके आप रोटी बच्चे को खिला सकते हो, दलिया आप खिला सकते हो, नमकीन दलिया ही बेटर है अगर आप लंच में खिलाते हैं तो। इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो आप इवनिंग स्नैक्स में सूजी की खीर दे सकते हो, हलवा दे सकते हो, आटा और सूजी हलवा दे सकते हो, आलू फ्राई दे सकते हो और शकरकंदी फ्राई दे सकते हो, क्योंकि 11-12 महीने का बच्चा ना थोड़ा फिंगर फूड लेने लग जाता है, तो आप आलू फ्राई दो, बाहर के चिप्स वगैरह बिल्कुल ना दें। अगर आपको देने हैं तो आप घर के आलू के चिप्स बना के दो, या आलू बॉईल करके उसको फ्राई करके थोड़ा सा घी में सॉटे करके दे दो, नमक डाल के आप दे सकते हो। स्वीट पोटैटो को भी, शकरकंदी को भी आप ऐसे ही दे सकते हो, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को बिल्कुल बाहर के चिप्स या बाहर की कोई भी इस तरह की जो चीजें मिलती हैं मार्केट में, चिप्स चॉकलेट्स ये सब चीजें बिल्कुल ना दें। मैं अगर बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऋत्विक को अभी तक बाहर के चिप्स नहीं खिलाए हैं, वो 3 इयर्स का होने वाला है और उसने एक सिंगल चिप्स भी नहीं खाया होगा आज तक, मतलब बाहर का बिल्कुल भी नहीं, ना ही उसने कोई चॉकलेट्स खाई हैं ना उसने चिप्स खाए हैं। तो
ये जो मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल मेंटेन करने से और एक हेल्दी खाना खाने की आदत डालने से मैं बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है ये देख के कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी जिद नहीं करता है कि मुझे बाहर के चिप्स चाहिए या मुझे चॉकलेट चाहिए। तो आप प्लीज अगर आप यही चीजें सारी फॉलो करेंगे, अगर आप स्टार्टिंग से ही उसे हेल्दी खाना खाने की आदत डाल दोगे तो वो बिल्कुल नहीं मांगेगा। डिनर की बात करें तो डिनर में आप मिक्स वेज खिचड़ी दे सकते हो, दाल राइस दे सकते हो, कर्ड राइस दे सकते हो, दाल रोटी दे सकते हो सोक करके, दलिया दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को दे सकते हो। हो सकता है मेरे से कुछ मिस भी हो गया हो इसमें से, तो मैं ये पूरा फूड चार्ट लास्ट क्लिप में ऐड कर दूंगी, आप डिटेल में वहां से भी देख सकते हो। और फूड टेक्सचर जो रहेगा वो सॉफ्ट मैश ही रहेगा और थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही रहेगा। तो ये हुआ आज से 12 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस लेके आने वाली हूँ मेरे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।